का जिंगाट म्याऊ जो है फेमस होने वाला है वो कुछ दिनों बाद में टेलीविजन पे आने वाला है। वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ जिंगाट बात। वैसे ये सीरीज मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़े से मुझसे कनेक्ट हो पाओ, मेरे बारे में कुछ चीजें जान पाओ और मुझे इस तरीके से मौका मिलते रहेगा कि मैं अपने बारे में आप लोगों से शेयर कर पाऊंगी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज नन अदर देन आर जिंगाट म्याऊ। सो वैसे अपना म्याऊ जो है, अपना जिंगाट म्याऊ जो है फेमस होने वाला है वो कुछ दिनों बाद में टेलीविजन पे आने वाला है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि म्याऊ मुझे कहाँ से मिला। सो सिंस चाइल्डहुड मुझे कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि मुझे एनिमल्स तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पसंद है। सो ये कुछ 9-10 साल पहले की बात है जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि उसके आसपास में जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे कैट ने जो है बेबीज दिए है। उसने मुझे कहा कि तुझे चाहिए होगा तो मुझे बताना। तो जब से मुझे ये चीज पता चली तो मुझे ऐसा था कि मैं एक बेबी तो कम ऑन पाल सकती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे जो है मैं रेंट पे अकेले रहने लग गई थी अपनी बहन के साथ में, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे पालना चाहिए। उस दिन मैं मिली थी अपने म्याऊ से फर्स्ट टाइम। मैं गई थी सांता क्रूज जहाँ पे वो रहती है, तो वहां से मैंने म्याऊ को उठाया। म्याऊ बहुत ही ज्यादा छोटा था, इतना ज्यादा छोटा नहीं था जितना मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, बट हाँ वो छोटा था। छोटा इन द सेंस आई गेस वो कुछ 7-8 मंथ का होगा। उसको लाने की तैयारी में एक छोटा सा बास्केट भी खरीद लिया था कि मैं उसको बास्केट में अच्छे से लेके आऊंगी, तो मैं एकदम फुल प्रिपेयर्ड होके गई थी। एक्चुअल में कैसा हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसने मुझे ऐसे दो म्याउस दिखाए थे छोटे छोटे बेबीज कि कौन सा वाला चाहिए, एंड देन पता नहीं मैंने अपने म्याऊ को चूज कर लिया कि मुझे ये वाला चाहिए। सो ऑटो में जो है मैंने म्याऊ को लाया था घर तक, तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरियस था एक्चुअली म्याऊ को सांता क्रूज से घर लाना। मेरी जो विश लिस्ट एक्चुअली थी कि पेट रखने की वो पूरी हो चुकी थी उस दिन जब मुझे म्याऊ मिला था। तो अब म्याऊ को तो घर पे मैं ले आई, लेकिन एक दो दिन बाद ही मेरे को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, एंड दैट इज टू रिटर्न म्याऊ अगेन टू माय फ्रेंड। सो अब आप ये सोचो कि जिस चीज को मैंने बहुत ही खुशी से बहुत टाइम से सोचा था अपने पास रखने का, उस चीज को मुझे वापस करना पड़ रहा है, तो मैं कितनी ज्यादा सैड हो जाऊंगी या कितनी ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। वो दिन और वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीट पे बहुत ही बुरी तरीके से रोया था, बहुत ही गंदी तरीके से एक्चुअली रोया था, बिकॉज मेरे हाथ में म्याऊ था, मैं उसको वापस रिटर्न करने लेके जा रही थी और मेरी नाक बह रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे। ऐसा था कि मैं अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकती हूँ और ना मैं अपने आंसू पहुंच सकती हूँ। सो दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी फनी मोमेंट। तो ये हुआ कैसे उस बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब आप कैट्स या डॉग पालते हो तो कैट्स एंड डॉग को ना ये प्रॉब्लम जरूर होता है, एंड दैट इज नथिंग बट वर्म्स। मेरी जो बहन है छोटी वाली वो काफी ज्यादा डर गई थी कि म्याऊ को ऐसे क्या हो रहा है, बिकॉज उसके एक्चुअली वर्म्स जो है वो उसके पूरे बॉडी में ऐसे इधर उधर जाते थे प्लस गिर जाते थे, बहुत थोड़ा सा ऐसा था कि वो डर गई थी इस चीज को लेकर। अब मुझे उसका भी सेफ्टी का ख्याल रखना था। थोड़ी बहुत मेरे और मेरी बहन के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई, एंड देन ठीक है सोचा कि रिटर्न कर देते हैं। बहन ने फिर मेरी मॉम को बताया कि मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ, तो मॉम ने शायद मेरी बहन को समझाया, एंड देन हमने म्याऊ को वापस लाया। तो जो इंजेक्शंस देना चाहिए वर्म के लिए तो वो हम लोगों ने म्याऊ को दिया, एंड उसके बाद से विद गॉड ग्रेस अभी तक उसको वर्म्स का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब जब घर में आपके बच्चे होते हैं या आपके घर में पेट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कभी ना कभी बहुत ज्यादा बीमार जरूर पड़ते हैं। तो दिवाली का वक्त था गाइस, म्याऊ जो है बहुत ज्यादा बीमार हो गया था उस वक्त, बहुत ज्यादा। तो हुआ ऐसा था कि जैसे कि दिवाली में हम लक्ष्मी पूजा या जो भी करते हैं, तो पूजा के वक्त आई डोंट नो उसने क्या चीज ऐसी खा ली थी जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था। उसको हमने सारी उसकी जितनी भी फेवरेट चीजें थी वो सब कुछ उसको दिया था हमने खाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं खाता था। हम लोग ऐसे हो गए थे कि काश ये
कुछ बोल पाता कि इसको प्रॉब्लम क्या है. तो हमने इसको प्राइवेट में दिखाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पैसे गए और उसको इंजेक्शंस लगे, ग्लूकोज वगैरह लगा, बट वहाँ पे उसका कुछ भी ठीक नहीं हो पाया. देन वी वेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पता नहीं क्यों म्याओ को सूट हो जाता है उसके मेडिसिन, तो वहाँ से वो थोड़ा सा बेहतर हो गया. बट दैट वॉज अ टाइम जहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा कि म्याओ भले ही एक कैट है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति है अपने मतलब प्रॉब्लम्स या अपने दुख को हैंडल करने की. बिकॉज उसको इंजेक्शंस लगते थे, उसको जिस तरीके से हम लोग हैंडल करते थे, एंड मतलब वो बहुत ही कामली उस चीज़ को लेता था. सो फिर म्याओ के टेस्ट वगैरह हुए एंड देन पता चला कि म्याओ को जो है जॉन्डिस हो गया है. मतलब एनिमल्स को भी ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी तकलीफ एनिमल्स को भी होते हैं. सो वाई आई कॉल्ड माई म्याओ एज अ गोल्डन कैट, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ है. मैं अपने म्याओ को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, बिकॉज जब से वो मेरी लाइफ में आया ना तो मेरी लाइफ ने एक्चुअली थोड़ी सी ट्विस्ट ले ली है. म्याओ के आने के पहले आई यूज़ टू स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. म्याओ आया और उसके कुछ दिनों बाद में हमने घर खरीद लिया, एक नया घर खरीदा हमने. एंड देन म्याओ आया उसके बाद में मुझे एक स्टेबल जॉब मिल गई, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई. सो जब हम बात करें म्याओ की लकी होने की मेरे लिए, तो ये चीज़ भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा वक्त भी मेरे लाइफ में था जब मेरे पास में कोई भी नहीं था, एंड उस वक्त मेरा म्याओ था. क्योंकि ही वॉज द ओनली वन जिसके साथ में मैं हंसती हूँ, रोती हूँ, मतलब हर एक मोमेंट में वो मेरे साथ में रहा है. अब बात करते हैं सोच के बारे में. सो म्याओ को लेके मुझे एक्चुअली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स या फैमिली लोगों ने ये भी बोला था कि जस्ट बिकॉज आई हैव अस्थमा तो मेरा प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज जिनको अस्थमा होता है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है म्याओ के बालों से. तो कहते भी है कि उनके बालों से और ज़्यादा आपको अस्थमा अटैक्स एंड ऑल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. बट मैं एक चीज़ बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि जब से म्याओ मेरी लाइफ में आया मुझे एक बार भी अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ है. क्लैप हैंड्स फॉर म्याओ. यो कि लोगों का सोचना ये भी है कि म्याओ को घर में नहीं रखना चाहिए, बहुत बुरा होता है म्याओ. बिल्लियों को मैं म्याओ नहीं बोलूंगी, म्याओ मुझे आदत हो गई है, मैं ऐसे बोलूंगी जैसे लोग एक्चुअल में बोलते हैं. तो बिल्लियों को घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है. प्लस उनको अगर आप अगर वो आपका रास्ता काट दे या आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हो वो आपके सामने आ जाए तो आपका काम खराब हो जाता है. दिस दैट मतलब इतनी सारी फालतू की बकवास लोगों ने अपने दिमाग में बना के रखी है और बहुत सारे लोग अभी के भी जनरेशन वाले इस चीज को मानते हैं. तो उन्हें दूध खिलाइए. तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी सोच पे ही सब कुछ डिपेंड होता है. मेरा म्याओ मेरे साथ में 24 घंटे रहता है, मेरे आसपास घूमते रहता है, मैं रोज उसकी शक्ल देख के उठती हूँ, वो मेरी शक्ल देख के उठता है. मेरे साथ में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं जिसके लिए मैं अपने म्याओ को ब्लेम करूँ. ये सिर्फ हमारी सोच में है, भगवान ने भी उस चीज को बनाया है जैसे तुम्हें बनाया है. तो ऐसा भगवान सोच के नहीं बनाएगा कि ये चीज बुरी है और ये चीज अच्छी है. ये तो सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अच्छा समझ रहे हैं और हम किस चीज को बुरा समझ रहे हैं. और एक चीज तो बहुत ही ज्यादा कॉमन रही है अब तक लाइफ में, जहां मैं हूं वहां वो है. मैंने म्याओ को पाला उस वजह से उसको अब ना खाने की स्ट्रगल करनी पड़ती है और ना ही उसको सोने की स्ट्रगल करनी पड़ती है. इवन अगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ है तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग है और वो सारी चीज़ हम लोग टेक केयर करेंगे. तो इसी तरीके से है ना, आप लोग भी कोई ना कोई पेट की या कोई ना कोई एनिमल की जिंदगी जो है वो संवार सकते हो, उनकी लाइफ जो है वो आप चेंज कर सकते हो. ऑब्वियसली अगर आप घर में नहीं रख सकते हो, पाल नहीं सकते हो पेट्स, तो अगर बाहर भी आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखे या कैट्स तो उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा खिला देना. शायद से उस दिन का खाना आप उन्हें दे दोगे और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे उस चीज से. तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेरा मोटो ये वीडियो बनाने का ये था कि आप लोग को पता चले कि मेरे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और प्लस आपको ये पता चले कि हमें अपनी सोच जो है अगर वैसे टाइप की सोच है तो वो सुधारनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो किसी भी वजह से अगर वीडियो पसंद आया होगा और जिंगार्डकर की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल.